त्रिनेत्रां भजे भगवतीं त्रिनेत्रां भजे माईं त्रिनेत्रां भजे। अयोध्या पुरी द्वारिका माया काशी कांची अवंतिका सप्तपुरियों में माया नगरी का अपना एक अलग स्थान है। इन पंचपुरियों में तब महात्म्य और बढ़ जाता है जब नवरात्र जैसा पर्व हो। नवरात्र में यहाँ देवी के शक्तिपीठों में हजारों हजार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लोग दर्शन करते हैं और देवी से सिद्धि प्राप्त करते हैं। आइए आज हम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज से जानते हैं कि दक्षिण काली सिद्धपीठ का महात्म्य क्या है और इस नवरात्र में विशेष क्या है। भगवत्यै नमः। विद्युदाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालखेटबिलसद्धस्थाभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटभिशिखाश्चापं गुणन्तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवतीं त्रिनेत्रां भजे माईं त्रिनेत्रां भजे। त्रिपाठी जी, सही कहा आपने, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वती चैव सप्तैता मोक्षदायी कहा। ये जो सप्तपुरियां हैं ये मोक्षदायी हैं और इन सप्तपुरियों में स्वतः व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इन सप्तपुरियों में यदि कोई शक्तिपीठ है और उन शक्तिपीठों पर साधक साधना करता है और भक्त जाकर दर्शन करता है तो निसंदेह उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है, उनकी चारों इच्छाएं पूर्ण होती है। उसी श्रृंखला में इस मायापुरी में अत्यंत पौराणिक प्राचीन श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर है जो नीलधारा गंगा तट पर स्थित है। कजरी बन आज के लगभग 150 वर्ष पूर्व यहाँ कजरी बन था। इस जंगल को कजरी बन कहा जाता था और पूरे भारत में जो गंगा बहती है वो 2552-53 किलोमीटर बहती है। 2552-53 किलोमीटर गंगा में केवल एक नीलधारा हमारी घाट को कहा जाता है जहाँ माई विराजमान है और यहाँ 900 मीटर का जो घाट है वो नीलधारा है। यहाँ गंगा 900 मीटर दक्षिण वाहिनी है। वैसे तो दक्षिण वाहिनी कई जगह है, तारापीठ में है, हुगली में है, अर्थात दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता में है, ऐसे कई जगह गंगा दक्षिण वाहिनी के रूप में बहती है जिसके कारण वहाँ को जो है वो दक्षिण काली रूप में शक्तिपीठ के रूप में भगवती वहाँ स्थापित है। लेकिन हमारा जो पीठ है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पीठ पर भारत के सभी साधकों ने साधना किया है। जितने भी भारत के उच्च कोटि के साधक हैं उन सभी साधकों ने यहाँ साधना किया है और सबको सिद्धि प्राप्त हुई है। इस पीठ के जो परमाचार्य हैं, इस पीठ के जो आराध्य हैं, संस्थापक हैं, वो कामराज गुरु जी हैं। उनका एक नाम अमरा गुरु है क्योंकि आपके माध्यम से यह संवाद समाज तक पहुँचे, यह संदेश समाज तक पहुँचे, यह उपदेश समाज तक पहुँचे और यह विषय समाज तक पहुँचे कि शक्ति पीठों पर कैसे क्या क्रम होते हैं, किस क्रम से वहाँ पूजा होती है, किस विधि से वहाँ साधना होती है, किस विधि से वहाँ साधक साधना करता है, उसको भी जानना समझना आवश्यक होता है। वो आपके माध्यम से लोग जानेंगे क्योंकि अमर उजाला के जो दर्शक हैं, अमर उजाला के जो पाठक हैं, वो करोड़ों की संख्या में भारत में है। तो इसलिए अमर उजाला जो न्यूज चैनल है amarujala.com है, मुझे लगता है इसको हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं और ये अच्छा संदेश है क्योंकि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र का आज पहला दिन है। दूसरा दिन अभी लगने वाला है, सूर्योदय होने वाले हैं। अभी प्रातःकाल 5:00 हो रहा होगा, 20-22-25 मिनट हो रहा होगा, प्रातःकाल का भी हमारा पूजन समाप्त हुआ। यह भारत का एक पहला स्थान है जहाँ रात्रि पर्यंत भगवती की सेवा होती है और हमारे यहाँ नवरात्र 9 दिन के नहीं, हमारे यहाँ नवरात्र 16 दिन के होते हैं। हमारे यहाँ नवरात्र प्रतिपदा और अमावस की संधि से पूर्णमासी तक नवरात्रि मनाए जाएंगे। 2 अक्टूबर से हमारा नवरात्र शुरू हुआ है
2 अक्टूबर की रात्रि 11:05 पर माई का महास्नान शुरू हुआ और प्रातः काल 5:40 पर कल स्नान समाप्त हुआ। आज पुनः रात भगवती का कलश स्थापन हुआ। कलश स्थापन के बाद यहाँ आज नित्य पाठ शुरू हो गया। अभी जब आप आए इससे थोड़ी देर पहले, 1.5 घंटे के करीब पहले, हमारे आश्रम के विद्वान विद्यार्थियों ने भगवती को पाठ सुनाया। नित्य दुर्गा सप्तशती संपुटित पाठ रात्रि में सुनाया जाएगा। भगवती को रात्रि इसलिए प्रिय है क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि भगवती को भगवती रात्रि प्रिया है। भगवती रात्रि को अत्यंत प्रसन्न रहती है और भगवती रात्रि प्रिया है, भगवती मंत्र प्रिया है और भगवती रक्त प्रिया है। तो मैं रक्त की जब बात करता हूँ तो मुझे बार बार इस बात का एहसास होता है कि रक्त जीव की, रक्त की आवश्यकता नहीं है कि जीव का रक्त दिया जाए। ना अनार के रस को भी रक्त की संज्ञा दी गई है। दूध में शक्कर और रोली डाल दिया जाए तो उसे भी दूध रक्त की संज्ञा दी गई है, उसे भी रक्त की संज्ञा दी गई है। गन्ने के रस में यदि रोली डाल दिया जाए और मिश्री डाल दिया जाए तो उसको भी रक्त की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर अनादि काल से साधकों के लिए साधना का स्थान रहा है। और कामराज गुरु जी ने अपने जीवन में 3-4 लोगों को दीक्षित किया। सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज को दीक्षा दी इसी पीठ पर, उनको अमर होने का वरदान दिया। इसी पीठ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज, उसके बाद भामा खेपा, उसके बाद आल्हा अमर है, आल्हा को दीक्षित किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।